फास्ट 10 का ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है और ट्रेलर देखकर मूवी की हाइप और बढ़ती दिख रही है। स्पेशली मैं खुद इस मूवी को लेकर इतना एक्साइटेड था नहीं, क्योंकि इन बंदों ने परिवार के नाम पर हमें क्या क्या नहीं बताया। सबमरीन से लड़ाई करवाई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग से कार जम कराई जा रही है, मरे हुए बंदे वापस आ रहे हैं, मतलब परिवार के नाम पर हमें क्या नहीं झेलना पड़ा, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। सब कुछ करने के बाद अब इनके पास क्या ही बचा था करने के लिए, और धड़ल्ली से फास्ट 10 का ट्रेलर आता है और बाकी सब मेरे लिए हिस्ट्री बन चुकी है, क्योंकि मूवी की कास्ट बहुत तगड़ी है। हॉलीवुड के ऑलमोस्ट हर ए-लिस्ट एक्टर को यहाँ पर लिया गया है। सही खेल गया बैंच। हमारा ओरिजिनल परिवार तो था ही, जो अब ये जेसन मोमोआ को भी ले आए। इतना ही नहीं, फिल्म में चार्लिज थेरॉन, ब्री लार्सन और जॉन सेना भी दिखेंगे। हाँ, रॉक को लेकर थोड़ा दिल में दर्द है, पर इन सभी को देख मेरे कलेजे को थोड़ी सी ठंडक मिल चुकी है। फास्ट 10 की मेन गब्बर तो साइफर ही है। अब आप कहोगे कि पागल है क्या, ट्रेलर में तो जेसन मोमोआ सबके मारते दिखा था। जेसन मोमोआ का किरदार डांटे मूवी का सेकेंडरी विलन है, जिसने अपनी फैमिली डॉम की वजह से गवा दी और अब वो वही दर्द डॉम को देना चाहता है। वैसे ये कहानी थोड़ी सुनी सुनी तो नहीं लग रही, क्योंकि फास्ट 7 का प्लॉट तो यही था, वहाँ पर डेकर्ड शॉ यही तो करने निकला था। लेकिन मुझे लगता है जो भी हमें यहाँ ट्रेलर में दिखाया जा रहा है वो फिल्म की बस शुरुआत होगी। ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है कि फास्ट 10 और फास्ट 11 इस फ्रेंचाइजी के आखिरी पार्ट होंगे, और ट्रेलर को देख एक ही बात लग रही है कि ये सब किसी भी फ्रंट पर कमजोर नहीं पड़ना चाहते। इस मूवी में भी अपना डोमिनिक टोरेटो परिवार परिवार खेल रहा है, शायद इसके आगे ये बढ़ने नहीं वाले। भगवान, ये क्या हो रहा है, मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ट्रेलर में थोड़ी सी वाइब मिली है कि इनकी फैमिली टूटने वाली है। शायद अपना डांटे जानता है कि ये डॉम और टीम को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही लड़वाकर उनकी नानी याद दिला पाएगा। साइफर की थोड़ी सी झलक भी हमें देखने को मिली। ट्रेलर के लास्ट में वो अपनी एंट्री करती है, यहाँ पूरा हड़कंप यही बंदी मचाने वाली है। फास्ट 10 का बजट $300 मिलियन का बताया जा रहा है, मतलब यूनिवर्सल ने अच्छा खासा पैसा लगाया है इस मूवी पर फास्ट 9 के कलेक्शन को देख सब थोड़े बहुत तो टेंशन में आए होंगे, क्योंकि मूवी ने सिर्फ $700 मिलियन कमाए थे, पर कोरोना के वजह से हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस हमेशा से अपने आड़े तेड़े स्टंट्स के लिए जानी जाती है, क्योंकि ये बंदे क्या नहीं करते। इन्होंने आसमान से कार के साथ जंप भी किए, और हम सब तो पागल है, हमको इसी से तो मजे आते हैं। ये लोग कौन सा माल बुक कर मूवी बनाते हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ। इस मूवी को बिना लॉजिक को अप्लाई करे ही देखना, क्योंकि जो ट्रेलर में बताया है वो सिर्फ झलक थी, पिक्चर तो अभी बाकी है। डॉन ने इस बार तो अपने कार से 2 हेलीकॉप्टर खींच लिए। जॉन सेना का भी बड़ा किरदार दिख रहा है, और दोनों भाई भाई एक दूसरे की जान बचाएंगे तो मजा तो आएगा ही। ब्री लार्सन का किरदार क्या होने वाला है ये हमें अब तक कुछ भी पता नहीं, जैसी ही कुछ जानकारी मिलेगी मैं उस पर वीडियो बनाकर शेयर कर दूंगा, इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पॉल वॉकर को देख के दिल में थोड़ी ठंडक आई, भाई बंदा जान था फास्ट एंड फ्यूरियस की। तो आपको ट्रेलर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।